आपने ये इफेक्ट तो बहुत सारी यूट्यूबर्स के वीडियोस पे देखा ही होगा। क्या ऐसा वीडियो क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? मैं बोलूं तो आसान है। हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। नंबर वन, आर्टिकल स्क्रीनशॉट। नंबर टू, ओवरलेस। उसके बाद सबसे पहले आपको प्रीमियर प्रो ओपन करना है। उसके बाद आपको ओवरलेस को इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको अभी यहाँ पे ओवरले दिख रहा होगा, ये अभी वर्टिकल है, इसे हम हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो यहाँ पे हम रोटेट्स पे आएंगे और -90 कर देंगे। तो अभी जैसे कि देख सकते हो ये फुल स्क्रीन पे हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी आर्टिकल के स्क्रीनशॉट्स पे आप हाइलाइटर इफेक्ट डालना चाहते हो उसे आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो मैं अभी इसे टाइमलाइन पे लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी आप देख रहे हो कि ये बहुत छोटा हो गया है, इसे मैं डबल क्लिक करके बड़ा करूँगा, इतना ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से, मैंने भी एग्जाम्पल के लिए ये स्क्रीनशॉट्स ले लिया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पैनल पर आना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे न्यू आइटम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कलर मेट, इसे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज़ आपको ओके कर देना है और यहाँ से आपको येल्लो सेलेक्ट कर लेना है। आप हाइलाइटर इफेक्ट के लिए दो कलर यूज़ कर सकते हो। नंबर वन, आप येल्लो यूज़ कर सकते हो एंड नंबर टू, आप ग्रीन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यही आपने देखा भी होगा और ये अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल येल्लो कर लेता हूँ, मैं अभी ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे आपको इंपोर्ट करना है कुछ इस तरीके से, आपको स्क्रीनशॉट्स के ऊपर इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको येलो लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पे आना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओपेसिटी, इसका जो ब्लेंड मोड है वो नॉर्मल है, इसे हम मल्टीपल कर देंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे पूरा येलो हो गया है, डोंट वरी, मैं अभी इसे फिक्स भी करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रॉप। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा क्रॉप, इसे आपको ड्रैग करना है और अपने येलो वाले लेयर पे ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पे आना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉप। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसे क्रॉप करके फिक्स करने वाले हैं। तो मैं लेफ्ट से क्रॉप करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं टॉप से भी करूँगा कुछ इस तरीके से, ओके। मैं राइट से कुछ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एंड तक किया हुआ है। अब मैं नीचे से भी यहाँ तक कर लेता हूँ, वो करने के लिए आपको यहाँ पे बॉटम पे दिख रहा होगा, बॉटम से कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा हाईलाइट इफेक्ट बन चुका है। अब हम इसे एनिमेट करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है और इसे कुछ इस तरीके से आगे करना है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे टोंगल एनिमेशन है, इसे हमें ऑन कर देना है। मैं सारे ऑन कर दूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ फ्रेम्स आगे जाना है हमें कुछ इस तरीके से, कुछ फ्रेम हम आगे आएंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे की फ्रेमिंग ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे की फ्रेमिंग ऐड कर देता हूँ। अब हम जो पहले की फ्रेमिंग ऐड किए थे, हम वहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर हमने आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट से कुछ इस तरीके से हम कम करेंगे वैल्यू। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये एनिमेट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो इसे स्लो करने के लिए सारे की फ्रेमिंग को सेलेक्ट करना है, और जो हमने बाद में की फ्रेमिंग लगाया था ये वाला, कुछ इस तरीके से हमें इतने डिस्टेंस पे लेके आना है। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ओके, ये भी परफेक्ट हो चुका है। अब आपको मान लीजिए कि आप सेकेंड लेयर्स पे भी लगाना है, तो वो कैसे करना है, येल्लो लेयर को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो डुप्लीकेट किया हूँ वो लेयर को सेलेक्ट करना है आपको, तो मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ पोजीशन से। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट येलो लेयर पे हमने जो की फ्रेमिंग्स ऐड किए थे वो सारे की फ्रेमिंग्स हम कॉपी करेंगे, और जो हमने सेकंड लेयर अभी बनाया है ये वाला, इस लेयर पे हमें पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले लेयर को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सारे की फ्रेमिंग को हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड वाले को क्लिक करेंगे, हम इसे थोड़ा सा आगे करेंगे और पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे लग चुका है। अब मैं आपको प्ले करके भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों अभी एक साथ हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो एडोबी तक, उसके बाद ये सेकेंड लाइन यहाँ से एनिमेट होना स्टार्ट हो। तो उसे करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे
सारे लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इतने पर रखेंगे। जब हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो देन सेकंड लेयर स्टार्ट हो। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है, तो इसे फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये हमारा राइट है इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है आपको। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आप हाइलाइटर इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिंपल टेक्निक्स पे। तो अगर आप ये ओवरले डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ज़रूर, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।